नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष ग्रहों का जो परिवर्तन है और नए नए ग्रहों का खास तौर से जो आपको लाभ या हानि दे रहे हैं और उनसे कैसे कैसे आपको सावधान रहना है, किस किस हाउस को नेगेटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह अगले सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर करेंगे, उन पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। जैसे कि अगले आने वाले समय में आपको बहुत प्रबल बड़ी मजबूती से वृश्चिक राशि को ऐसी स्थिति में जब मुफलिसी में समय चल रहा हो वृश्चिक का और कंटक शनि धैया के रूप में चल रहा है, ऐसे समय पर ऑक्सीजन रूपी ताकत देने के लिए आपके लिए कुछ ग्रह पॉजिटिव साइन पॉजिटिव इफेक्ट और धन का लाभ सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमें भी अब धन का लाभ होगा, हमारे भी काम बनेंगे। तो इस सरप्राइज को आप अपनी खुशी को अपने तक मत रखिए, अपने इष्ट मित्र परिजनों को बताइए कि मेरा भी समय अच्छा आ रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए बड़े तरीके से और समीकरणों को देखिए किस तरह से बन रहे हैं। ठीक आज से 9 दिन बाद तक आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल शनि हिलने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। कुछ घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, वाहन संबंधी समस्या, वाहन में खर्चा या आपके घरेलू मेंटेनेंस को लेकर या घरेलू डोमेस्टिक समस्याओं को लेकर या कुछ कानूनी विवाद, ये आपका अभी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अगले 10 दिन, लेकिन आपको उससे मुक्ति मिलने वाली है। जैसे कि किसी के पैर में चोट लग जाती है या हाथ में, तो वो रोज डॉक्टर से पूछता है, पंडित जी डॉक्टर साहब पट्टी कब खुलेगी या पट्टी होनी कब बंद हो जाएगी। तो ये पट्टी जो है 23 अप्रैल तक चलती रहेगी। पट्टी का मतलब क्या है, आपकी घरेलू समस्याएं, चोट, बीमारी, परेशानी, तनाव, चिंता, डोमेस्टिक प्रॉब्लम के साथ साथ पुलिस आदि के झगड़े या जमीन के विवाद, पैसे के लेन देन को प्रॉब्लम तथा फॉल्स एलिगेशन, षड्यंत्र आपके खिलाफ, कॉन्स्पिरेसी, नौकरी को चेंज करने की समस्या, नौकरी में स्विच करना या आपको कहीं से धमकी मिलेगी कि आप ऐसा ऐसा काम करो वरना ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति को लेकर के वृश्चिक राशि के जो जातक हैं घूम रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी परफॉर्मेंस में अब भविष्य में कुछ सुधार अवश्य आएंगे। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए कि 23 अप्रैल से 1 जून तक लगातार 40 डेज 40 दिन तक आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए राहु मंगल का अंगारक योग आएगा। उसका काम अपनी जगह है। आप देखिए प्लस पॉइंट की आपकी इनकम हाउस पर ये दोनों ग्रह दृष्टि डालेंगे तो इनकम भी कराएंगे। कारण क्या है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जब पंचम में आता है और वो उसके लिए शत्रु भाव नहीं है, लेकिन जहां दृष्टि डालेगा लाभ स्थान पर रिसोर्सेज ऑफ इनकम को तो बढ़ाएगा, आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान भी होगा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में इसी 40 दिन के अंदर एक नया चमत्कार होगा। चलते चलते अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते 1-2 आइटम खीर या दूध घी कोई नया आइटम एक और आ जाए भोजन के साथ, तो उस भोजन करने की जो पोजीशन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। यानी कि 40 दिन 23 अप्रैल से 1 जून तक जब राहु मंगल का अंगारक योग होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड इसी दौरान ठीक 1 सप्ताह ही हुआ होगा, 1 मई 2024 को बृहस्पति की बहुत अच्छी
चमकती हुई दृष्टि, बृहस्पति की आभा मंडल, बृहस्पति का अमृत तत्व के लिए आपकी राशि को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, और वृश्चिक राशि को जो तनाव, चिंता, कष्ट, परेशानी आप झेल रहे थे उस पर विराम रहेगा, आपके संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी तथा और भी कई अन्य बहुत अच्छे ग्रह आपके लिए लाभदायक होंगे। कौन से होंगे? जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी देने के लिए शनि चतुर्थ भाव में, लेकिन साइड इफेक्ट अलग। लेकिन अब एकादश भाव में केतु आपके लिए सम्मानदायक और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जब 1 मई को आपके सप्तम भाव में आएगा, उस समय आपके राशि को अमृत तत्व रूपी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यहां एक नया समीकरण है, क्या गोचर ग्रह जब हम देखते हैं तो केंद्र के अंदर 4 ग्रह बड़ा लाभ देते हैं, और किसको देते हैं? स्थिर राशि को। स्थिर राशि कौन है? वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह, ये 4 केंद्र में होती हैं इकट्ठी। ठीक इसी प्रकार केंद्र में 3, 6, 9, 12 एक राशि इनमें से आ जाए केंद्र में तो 4 को केंद्र में रहना पड़ता है। समीकरण ऐसा ही है, वृषभ लगन हो, वृषभ राशि केंद्र में आ जाए तो सब इकट्ठे होंगे। इसी के साथ साथ अब आप ध्यान देंगे कि बृहस्पति का अमृत तत्व आपके ऊपर 180 डिग्री पूर्ण रूप से होगा, आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान, आपको दुख देने वाले जो शत्रु आपका अनिष्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किम कुर्वंती ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। अब आप यहां समीकरण तो देखिए, 29 मार्च 2025 तक ये शनि की जो ढैया कंटक शनि चल रहा है इस पर विराम रहेगा, यानी कि जो टॉर्चर करने वाले ग्रह थे, आपको पीड़ित करने वाले ग्रह थे या हैं, अब वो आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं बहुत अच्छे अपनी साज सज्जा के साथ केंद्र में बैठकर केंद्र की राशि को स्थिर राशि में बैठकर स्थिर राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम इसको ये नहीं कह पाएंगे कि आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह नहीं है। 40 दिन का मंगल राहु का अंगारक योग अगर आपके लिए शुभत्व देता है, लाभ स्थान पर दृष्टि डालता है, तो पेट का रोग, बीमारी, संतान को कष्ट, पीड़ा पहुंचाता है। यहां एक चलते चलते खास बात बताना चाहूंगा, ध्यान रखने की जरूरत है। 23 अप्रैल 2024 को जब राहु मंगल का अंगारक योग आएगा तो जब आपके पंचम भाव पर कोई ग्रह बैठता है, पाप ग्रह, खासतौर से मंगल, तो उसकी पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर जरूर होती है, जहां पर मिथुन राशि है। और मंगल जब भी मीन में आता है, जब भी आएगा मीन राशि पर, तो इनकी इसकी 2 राशि है शत्रु, कन्या और मिथुन, इन दोनों पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो बुध की राशि से संबंध रखने वाले मिथुन और कन्या वाले इस मंगल के प्रभाव से त्रस्त अवश्य हो सकते हैं, वो उनकी समस्या है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्योंकि वृश्चिक राशि के पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की अष्टम और द्वादश भाव पर दृष्टि होगी। आप जितनी अर्निंग करेंगे, जितनी अच्छी साउंड पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी होगी, उस हिसाब से आपके एक्सपेंस, आपके अनकंट्रोल्ड बजट, यानी कि आपको अपने खर्चों पर, अनियंत्रित खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।